Hello viewers, welcome to my channel. I'm Rashmi, your maths teacher. Guys, please मेरे channel को like, share, subscribe और bell icon को press करना ना भूले ताकि daily update आपको तुरंत मिल जाए. तो इस video में आज हम solve करने जा रहे हैं exercise 9.3 का question number 12. तो ये question एक practical question है जो आप यहाँ पे आपको अपने according इसको देखना है कि हम कौन सा land दें और उसको कैसे draw करें. The question is, a villager Itwaari has a plot of land of the shape of a quadrilateral. तो एक villager है जिसका नाम Itwaari है, उसके पास एक plot है जिसका shape quadrilateral की form में, तो हमने यहाँ पे A, B, C, D draw कर दिया. The Gram Panchayat of the village decided to take over some portion of his plot from one of the corner to construct a health center. तो Gram Panchayat जो है गांव की, उन्होंने decide किया है कि इस plot का कोई भी एक portion जो है, चाहे वो यहाँ से हो चाहे यहाँ से हो, कोई भी एक portion वो इसे लेगी. क्यों लेगी? क्योंकि उनको एक health center construct करना है और वो जो आप जो area वो लेगी वो corner से ही होगा. ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है. His form plot from one of the corner. तो A से भी ले सकती है, B से भी, C से भी, D से. Itwaari agrees to the above proposal with the condition that he should be given. तो Itwaari ने इस proposal को accept तो कर लिया, but उसने एक condition रखा है कि he should be given equal amount of land in lieu of his land adjoining his plot. तो वो क्या कह रहा है, जितना land मैं अपने plot में से दूंगा, अगर मैंने इतना land दिया है, let कि उसने इतना land दे दिया, तो उसके बिल्कुल equal area वाला उसको लैंड मिलना चाहिए. जितना एरिया वो देगा उतना एरिया उसको वापस मिलना चाहिए. और किस तरह से मिलना चाहिए? इस प्लॉट के एडजॉइनिंग होना चाहिए, कहीं और नहीं होना चाहिए, इसी प्लॉट के क्या होना चाहिए, एडजॉइनिंग. चाहे वो यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कहीं भी उसके चारों साइड के एडजॉइनिंग होना चाहिए. एडजॉइनिंग हिज प्लॉट सो एज टू फॉर्म अ ट्राइंगुलर प्लॉट. और उसने क्या बोला कि पहले उसका जो प्लॉट था वो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में था, लेकिन जब वो उनको लैंड फिर से देंगे, जितना एरिया लेंगे उसके बाद जो उसको नया लैंड मिलेगा, तब उसका जो प्लॉट है जो क्वाड्रिलेटरल शेप में, वो अब ट्राइंगुलर शेप में बन जाना चाहिए. उसको इस तरह से प्लॉट चाहिए कि वो जो भी पोर्शन दे उसके बाद एक क्वाड्रिलेटरल शेप उसकी ट्राइंगुलर शेप में चेंज हो जानी चाहिए. एक्सप्लेन हाउ दिस प्रपोजल विल बी इंप्लीमेंट. तो हमें यहाँ पे ये प्रपोजल को इंप्लीमेंट करके बताना है कि वो ये कैसे पॉसिबल है, जो Itwaari ने कंडीशन रखी है वो कैसे पॉसिबल है. तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, हमें जो थ्योरम यहाँ पे पता है उन थ्योरम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. और आपको यहाँ पे कहा है कि शेप ट्राइंगुलर बन जानी चाहिए, तो हम यहाँ पे उसी को बनाने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्वाड्रिलेटरल का कोई भी एक डायगोनल ज्वाइन कर देते हैं. तो मैं बी को यहाँ पे क्या कर देती हूँ, डी से ज्वाइन कर देती हूँ. तो ये कंस्ट्रक्शन आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना पड़ेगा. फिर आप यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले हमने क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल ज्वाइन कर दिया. अब इस डायगोनल के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ए से. तो ये मैंने यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर दिया. तो इस पॉइंट को मैं यहाँ ई नेमिंग कर देती हूँ. फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, ई को डी से ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से. इस तरह से मैंने ई को डी से यहाँ पे ज्वाइन कर दिया. ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये जो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है वो, अगर मैं ये वाला पोर्शन दे देती हूँ और ये वाला ले लेती हूँ, तो अभी आप देखोगे ये वाले पोर्शन को आप बीच में से भूल जाओ, ए डी बी को भूल जाओ, तो ये ट्राइंगल अलग हो रहा है, ये ट्राइंगल अलग रहेगा. लेकिन उसने क्या बोला कि मेरा पूरा ट्राइंगल जो है वो पूरा जो एरिया है, जो मेरा प्लॉट है, वो ट्राइंगुलर शेप में होना चाहिए. तो यहाँ से तो नहीं बन रहा, ये अलग ट्राइंगल बन रहा है, ये अलग ट्राइंगल बन रहा है, एडजॉइनिंग आपका यहाँ कहीं पर भी नहीं बन रहा है. क्योंकि अगर वो ये बीच वाला एरिया लेता है तो ये अलग ट्राइंगल बन रहा है, ये अलग है. ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, बी को ई से ज्वाइन कर देती हूँ. अब आप यहां पे शेप देखो, तो अब आप उसका जो प्लॉट है वो बन जाएगा आपका ट्राइंगुलर शेप में इस तरह से. अगर मैं ये वाला पोर्शन दे देती हूं, तो अब यहाँ पे देखो, ये जो आपकी हार्ड यहाँ पे पर्पल कलर की जो लाइन बनी है उसको आप देखना. तो अब मैंने क्या किया, पहले जो मेरा क्वाड्रिलेटरल था ए बी सी डी, इसमें से मैंने ये ग्रीन जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है वो पोर्शन मैंने हेल्थ सेंटर बनाने के लिए दे दिया. और इसके बदले मुझे जो एरिया मिला है वो है मेरा ई ओ डी. तो ई ओ डी एरिया अगर मैं अपने बचे हुए क्वाड्रिलेटरल में, यानी कि ये जो आपकी दोनों लाइन क्रॉस कर इसको ओ ले लिया, तो बचा हुआ ये ग्रीन पोर्शन दे दिया, इसको मैं यहाँ पे अभी हाइड कर लेती हूँ. ग्रीन पोर्शन मैंने दे दिया, अब बचा हुआ एरिया कौन सा बचा, O B C D, ये आपका क्वाड्रिलेटरल बचा है. इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर मैंने ये ब्राउन वाला एरिया ऐड कर दिया, यानी EOD ऐड कर दिया, EOD ऐड कर दिया. तो अब जो आपकी पर्पल लाइन दिख रही है B C E, ये पर्पल लाइन आपको दिख रही है, तो अब उसका ट्रायंगल क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल से चेंज हो गया ट्रायंगल के अंदर. तो बिल्कुल उसकी कंडीशन फुलफिल हो गई. तो ये चीज आपको यहां पे याद रखनी. तो पहले तो हम ये सारा लाइंस लिख लेते हैं कि कैसे हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया, कैसे हमने यहां पे ड्रॉ किया. फिर उसके बाद आपको यहां पे क्या प्रूव करके बताना है, आपको ये यहां
वहाँ पे था ना कंडीशन कि जितना एरिया मैं दूंगा उतना ही एरिया मुझे वापस मिलना चाहिए, तो ये दोनों ट्राइंगल का एरिया आपको यहाँ पे इक्वल प्रूव करके बताना है। तो पहले हमने जो फिगर ड्रॉ किया वो राइट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल हम कैसे प्रूव करेंगे। तो सॉल्यूशन आपको इस तरह से राइट करना है, लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी द ओरिजिनल शेप ऑफ द फील्ड ओन बाय इतवारी, ठीक है। द प्रपोजल मे बी इम्प्लीमेंटेड एज फॉलोज, तो हमने जैसे प्रपोजल इम्प्लीमेंट किया है, जैसे फिगर को ड्रॉ किया वही हम राइट कर रहे हैं। जस्ट फर्स्ट ज्वाइन डायगनल बी डी, सबसे पहले डायगनल बी डी ज्वाइन किया एंड ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू बी डी थ्रू ए। बी डी को ज्वाइन करने के बाद में हमने बी डी के पैरेलल ए ई लाइन को ड्रॉ किया। लेट इट मीट द एक्सटेंडेड साइड सी डी ऑफ ए बी सी डी एट पॉइंट ए, तो ये इसको जब हमने यहाँ पे इसके पैरेलल ड्रॉ किया तो ये पॉइंट कहाँ से मिलेगा, जब आप सी डी को थोड़ा एक्सटेंड करोगे ये दोनों जहां पे मीट कर रहे हैं वो ई पॉइंट है। देन जॉइन बी ई एंड ए डी, लेट दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, फिर आप बी को ई से ए को डी से ज्वाइन करो, ये दोनों आपस में ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। देन पोर्शन ट्राइंगल ए ओ बी कैन कट फ्रॉम द ओरिजिनल फील्ड सो दैट द न्यू शेप ऑफ द फील्ड बी ट्राइंगल बी सी ही, तो जो उसका ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल था उसमें से हमने ये ग्रीन वाला ट्राइंगल यहाँ से कट कर दिया, तो अब जो उसको यहाँ पे ट्राइंगल हमने ये जो एरिया हमने बाहर की तरफ दिया तो उसका अब ट्राइंगल चेंज होके जो ए बी सी डी था वो ट्राइंगल चेंज होके अब बी सी ई हो गया, ये वाला बी सी ई जो आपको ब्राउन कलर में दिख रहा है। देन पोर्शन, ठीक है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, अब हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है, अब हमने इस तरह से कंस्ट्रक्ट तो कर दिया ये कट करके ये दे दिया, बट अब हमें यहाँ प्रूव करना है कि ये जो ग्रीन कलर का ट्राइंगल है और जो ब्राउन कलर का ट्राइंगल है दोनों का एरिया इक्वल है। तो वो हम यहाँ पे कैसे प्रूव करेंगे, तो आपको देखो यहाँ पे क्या गिवन है, ए ई पैरेलल बी डी, ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन से किया, हमने खुद इसको ड्रॉ किया है। तो दो ट्राइंगल आप यहाँ पे अगर देख रहे हो तो एक ट्राइंगल आपका बी ई डी बन रहा है जिसका बेस बी डी है और दूसरा ट्राइंगल आपका ए बी डी बन रहा है। तो मैं यहां पे क्या करती हूँ, एक तो आपको यहां पे दिख रहा होगा पेंसिल से ड्रॉ किया हुआ ये वाला, यानी कि ये, तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो ये कि ये पर्पल बॉर्डर वाला जो ट्राइंगल है ये वाला स्मॉल वाला जिसमें ये डार्क ब्राउन और ये लाइट ब्राउन है, और दूसरा ये येलो बॉर्डर वाला ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है बी डी और बिटवीन सेम पैरेलल है, तो ये दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों ट्राइंगल हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल प्रूव करने का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई थ्योरम नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने एक ट्राइंगल बी ई डी लिया, दूसरा ट्राइंगल हमने ए बी डी लिया, तो दोनों का एरिया हमारे पास एक थ्योरम में उससे इक्वल हो जाएगा कि दोनों ट्राइंगल सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल पे। तो आप यहां पे देखोगे ग्रीन ट्राइंगल और इस ब्राउन ट्राइंगल में ये वाला एरिया कॉमन है, ये वाला एरिया हम इसमें से और ये वाला एरिया हम येलो वाले ट्राइंगल में से और ये वाला एरिया हम पर्पल बॉर्डर वाले ट्राइंगल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ही यहां पे बचेंगे। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ट्राइंगल डी ई बी, यानी कि हमारा ये पर्पल बॉर्डर वाला और ट्राइंगल डी ए बी यानी कि येलो बॉर्डर वाला लाई ऑन द सेम बेस, दोनों का बेस बी डी है, देखो बी इसमें भी है डी इसमें भी है, बी इसमें भी है और डी इसमें भी है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल बी डी एंड ए, दोनों बिटवीन सेम पैरेलल है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ए बी हो जाएगा। बट हमें ये नहीं प्रूव करना है, हमें तो यहाँ पे प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई ओ। तो हम इसमें से पहले देखते हैं डी ई बी इन दोनों ट्राइंगल से मिलकर बना हुआ है, तो हम दोनों इसका एरिया यहाँ पर राइट कर देते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी क्या होगा, दिस एरिया प्लस दिस एरिया, और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ए बी हमारा होगा दिस एरिया प्लस दिस एरिया। तो आप यहाँ पे लिख लो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमें प्रूव करना है डी ई ओ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ओ, ठीक है, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ए बी आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कॉमन है दोनों में बी डी ओ, ये और ये, तो आप देखो कॉमन से कॉमन यहाँ कैंसिल हो गया, दोनों का साइन सेम है इसलिए कैंसिल हो जाएंगे, तो दिस एम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई ओ वो इक्वल है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी के, यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, हैंड्स प्रूव। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ये थोड़ा सा आपके अकॉर्डिंग इसमें फिगर यहाँ पे बनाना है कि आप कैसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे उसकी कंडीशन को फुलफिल कर सकते हैं, तो थोड़े से इसके स्टेप या फिर इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको थोड़ा सा याद रखना है या ध्यान रखना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, अभी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।